दोस्तों स्वागत है आप लोगों का हमारी और एक नई वीडियो में। आज हम आपको दिखाएं जो मशीन हमारी मक्की कपास सूरजमुखी सरसों की फसल है जो उनको बिल्कुल एक लाइन से बीजती है और बिल्कुल दाने की जो दूरी है वो भी बराबर रखती है। बाकी जानकारी हमारे साथ यतिन जी हैं वो हमें देंगे। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। भाई साहब आपका, मैं यतिन मास्क्यू कंपनी से सेल्स इंजीनियर हूँ। तो आज हम अपनी यहाँ मतलब हरियाणा कृषि विकास मेले में अपनी दो मशीनें लेके आए हुए, एसपी प्लांटर और अपना रोटावेटर। एक रोटावेटर, तो ये एसपी प्लांटर है जी अपना, इससे हम बिजाई कर सकते हैं। जैसे मल्टी क्रॉप है, मैं आपको बता देता हूँ इनसे कौन कौन सी फसल आप बीज सकते हैं। सरसों हो गया अपनी, बाजरा हो गया, कपास होगी, मक्का होगी, मूंगफली होगी, चने हो गए, और अपना जो मतलब दानेदार जितने भी सीड आते हैं ना उसकी हम इससे बिजाई कर सकते हैं। सिर्फ धान और गेहूं को छोड़ के, धान और गेहूं को छोड़ के। हाँ जी, इससे बिजाई करने पे कितना खर्चा आता है किसान का? इससे बिजाई करने पे ना जी मतलब मेनली तो मशीन की ही कॉस्ट ज्यादा है इसकी, ये मानते हैं किसान जो बड़े फार्मर है। लेकिन ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, मेरा कहना ये है कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप एक मशीन लो, ज्यादा मतलब बड़े फार्म में काम कर रहे हो तो एक बार लो, अपनी उसी से सारी फसल कर लो। सर क्या प्राइस है इस मशीन का? इस मशीन का ये प्राइस आपको पड़ जाती है 6 लाख रुपए का। 6 लाख रुपए की? हाँ। इस पे सब्सिडी वगैरह भी है किसानों के लिए? इस पे सब्सिडी अवेलेबल है, 2,25,000 सब्सिडी इस पे गवर्नमेंट देती है। गवर्नमेंट देती है वो सब्सिडी? आप जैसे हम आपसे परचेज करते हैं कंपनी से, कंपनी पहले ही काटेगी या फिर फार्मर को फॉर्म भरना पड़ेगा? फॉर्म भरते हैं, फार्मर खुद अप्लाई करते हैं एग्री हरियाणा साइट पे जाके, और वो फिर गवर्नमेंट जैसे जो भी करती है टोकन वगैरह निकालती है या ड्रा निकालती है, उस हिसाब से वो जिनका नाम आ जाता है उनको सब्सिडी मिलती है। यानी आप अपनी कंपनी में फुल पेमेंट लोगे इसकी? हाँ जी, सब्सिडी उनको, सब्सिडी फार्मर के अकाउंट में आती है, तो सब्सिडी के बगैर हमारा कोई रोल नहीं। जैसे इसमें हम अलग अलग फसल बीजते हैं उसके लिए कोई एप्लीमेंट भी नीचे चेंज करना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे क्या इसका पूरा प्रोसेस ही बता देता हूँ। हाँ जी, ये करती है काम, ये इसमें जो यहाँ लगा हुआ है ये एक प्रेशर मेंटेन करके रखता है, ये वाला। हाँ जी हाँ जी, एक प्रेशर मेंटेन करके रखता है, इसमें डलता है सीड और इसमें डलता है फर्टिलाइजर। इसमें फर्टिलाइजर हो गया, तो इसमें क्या करता है ये, इसमें यहाँ लगती है डिस्क, वो डिस्क भी मैं आपको दिखा देता हूँ भाई साहब। जैसे हर साइज का जो सीट आता है ना उनका अलग अलग साइज की अलग अलग डिस्कें आती है, तो ये यहाँ लग जाती है, इसके अंदर यहाँ पे लग जाएगी। ठीक है, तो वहां से वो प्रेशर मेंटेन रखता है, तो ये क्या करता है वैक्यूम से सक्शन कर लेता है बीजों को, यहाँ एक एक सिंगल सिंगल बीज चिपक जाएगा इसमें। सिंगल पीस ही? हाँ सिंगल ही जाएगा, तो जैसे जैसे ये रोटेट करेगी ना, पीटीओ से कनेक्ट होगी तो आगे चलेगी, तो ये डिस्क रोटेट करेगी, जैसे ही नोब के पास नीचे जाएगी ना, ये जो आगे वाला दाना होगा ना जो, उसको नीचे छोड़ देगा, उसको नीचे छोड़ देगा, तो सिंगुलेशन से जाती है सिर्फ, सिंगल सिंगल ना, तो सीड का मतलब इसमें ज्यादा अपना बीज का नुकसान भी नहीं, तो सिंगल सिंगल बीज ही गिरेगा। बिल्कुल हाँ, ये किसानों को क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है, एक तो की जैसे आप लगा रहे सरसों में एक एकड़ में 1 से 1.5 kg लग जाती है, ये 300 से 400 ग्राम में उस चीज को पूरे एक एकड़ पूरा कर देगा, कुछ लेबर का खर्चा भी इससे हमारा किसान भाइयों का काम हो जाता है। बिल्कुल जी, कुछ इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये, और इसमें फायदे ही मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो और अपने बढ़िया। गारंटी वगैरह क्या है इसकी? इसकी पूरी है ना जी, 1 साल की गारंटी, वारंटी सब रखती है, गारंटी और वारंटी दोनों है। हाँ जी, वो कंपनी से होती है? वो कंपनी से ही होती है, जब जिस टाइम ले जाता है जब से बिल कटता है उसके बाद से 1 साल तक कंपनी की वारंटी गारंटी होती है, मतलब कुछ भी दिक्कत आए। और फिर वैसे भी इस पे टोल फ्री नंबर लिखे हुए हैं अपने आगे की साइड, जैसे रोटावेटर भी लिखे हुए ये वाले 844-844, कोई दिक्कत आए तो आप इन नंबर पे कंप्लेंट डाल के कंपनी से आपके पास बंदा आ जाए, घर वहीं अपने खेत पे, अपने घर पे जहाँ पे मशीन होगी लेके जाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, जहाँ पे मशीन होगी वहाँ पे बंदा आएगा आपको, और मतलब आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेगा। इस मशीन के लिए कितने एचपी का ट्रैक्टर चाहिए? इस मशीन के लिए आपने को मिनिमम 55 HP का ट्रैक्टर चाहिए ही चाहिए। 55 HP? हाँ जी, 55 HP का। इसकी लेंथ कितनी है मशीन? 8? हाँ 8 फीट के आसपास इसकी लेंथ है। ठीक है, और जैसे ये 4 रो है, 6 रो भी आता है, ऐसे 12 रो भी आता है, तो बड़े ट्रैक्टरों के लिए होगा ना? मैं नॉर्मल किसान ना, तो नॉर्मल किसान के लिए 55 HP का ट्रैक्टर इसके लिए चाहिए, 4 रो ही बहुत। हाँ 4 रो ही बहुत होती है। ठीक है, तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ठीक है जी भाई साहब बहुत जानकारी दी। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।